जय माँ बगलामुखी। नमस्कार साधको, मंत्र साधना में आपका स्वागत है। साधको, आज हम बात करेंगे कैंडल हीलिंग की। कई तरह के तंत्र, स्पेल, रिचुअल और मेडिटेशन में कैंडल का यूज किया जाता है। यहाँ तक कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप हीलिंग देना चाहते हैं उसमें भी कैंडल यूज में आती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सृष्टि के 5 तत्वों में से एक अग्नि तत्व है और कैंडल हीलिंग अग्नि तत्व से दूर बैठे व्यक्ति की समस्या को दूर किया जा सकता है। फिर चाहे उसे शारीरिक दुख हो या मानसिक, कैंडल हीलिंग से उसके दुखों को दूर किया जा सकता है। विदेशों में इस हीलिंग का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। साधको, कैंडल हीलिंग आपको गुड हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, मनी बैलेंस ऑफ बॉडी और आपको पॉजिटिव वाइब्स देती है। वैसे तो कैंडल हीलिंग में अलग अलग कलर की कैंडल का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आप रेड कैंडल यूज करते हैं तो ये आपके पैशन को, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और अगर आप ऑरेंज कैंडल यूज करते हैं तो आपकी अट्रैक्शन पावर बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना देता है, आपकी फ्रेंडशिप काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी। और अगर आप येलो कैंडल यूज करते हैं तो ये आपकी मानसिक शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। साधको, कैंडल हीलिंग बहुत ही ज़्यादा आसान प्रक्रिया है। थोड़े से अनुभव से आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। आप अपने समस्या के साथ साथ दूसरों की समस्याओं को भी हील कर सकते हैं, चाहे फिर वह प्यार से संबंधित हो या आपका शरीर आपका साथ ना दे रहा हो या आप मानसिक आपका संतुलन बिगड़ चुका हो। आप विदेशों में या कहीं भी दूर बैठे, चाहे जितनी भी दूरी का फासला हो, आप उस व्यक्ति को कैंडल हीलिंग से हीलिंग दे सकते हैं। उसके चारों ओर पॉजिटिविटी का एक ओरा क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास मनी की प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके पास नेगेटिविटी ज़्यादा आपके ऊपर हावी कर रही है, इवन किसी और के ऊपर हावी कर रही है, तो भी आप कैंडल हीलिंग से उसे हील कर सकते हैं। साधको, ये बहुत ही ज़्यादा आसान प्रक्रिया है, तो मैं आपको यही बताऊंगा, आप देर बिल्कुल भी मत करें। और आने वाले कुछ ही समय में मैं और भी ज़्यादा कैंडल हीलिंग पर वीडियो लाने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो साधको, धन्यवाद, राधे राधे।